हम जानते नहीं कि एकनी पर भरोसा करके हम अपना पैर पर कुल्हाड़ी मर ले बनी रात भर मिट्टी बिटिया के पढ़े लिखी सदे ले है? अरे एकनी के मति भ्रष्ट हो गई बा मति भ्रष्ट बता इतना छोट बच्ची के संगे इतना डा अरे तेरा हमरा का बोलता नहीं जी हम को पढ़ा लिखा नहीं जो ओकरा से बैठा के पढ़ाई थी अरे ओकरा अपने नु चाहिए कि बैठ के पढ़ो हमका किताबा में घुस गई रही तोहरा के हम बहुत बढ़िया से जानता नहीं इस सब ही ड्रामा जो नादल बानू इस सब तहार नादल अब हमरी संगे सती सावित्री बने का ड्रामा मत करा मति भ्रष्ट हो गई बा तोहर लगे मति भ्रष्ट बेचारी से दिन रात ही चौका बर्तन करो वाले बड़ी संग शर्म नहीं क्या आवत हमारा कौन चीज का शर्म है हमारा का है का शर्म घर का सब काम धाम में तो सोनिया मुनी हाथ बटावे ले तका मिठिया एक गिलास पानी ना दे सके ले अरे काम काज करते हुए भी देख ले कि पढ़ लिखा के लोग डीएमएसपी बनल बा आई बिया की बरिस्टर बने चल बा जेकर पढ़ा के लक्षण ना होखे वो छुप में कर टेस्ला बहाइबा न करी अब सुनी ओकरा पढ़ा लिखा के बैरिस्टर बनावे के सपना छोड़ दी ही एगो नीमन बात समझाओ तनी कि बढ़िया लड़का देख के ओकरा शादी ब्याह कर दी ओकर घर गृहस्थी जब बसी आ खाना पीना बनावे करी तब ओकरा बुझाई आइल बरन बैरिस्टर बनावे अरे बाबूजी अरे गांव देहात में कौन इतना देखा था अरे जब तक थाना पुलिस यहाँ पहुंची तब तक तो शादी ब्याह सब निपट जाई अरे बहुत गांव तो ऐसा न होके जहाँ लीगल लीगल सब सब एक समान कौनो फर्क नहीं आप कहीं हम सब जुगाड़ कर दे इंटरनेट में सब व्यवस्था बा आज के बाद अगर एक तरह के बात मुंह से निकल ला ना तो सबसे पहले तोरा के जेल के अंदर डलवाए नालायक कहीं का अरे बाबूजी हम तो वही कहा था अब हम तुमसे अंतिम प्रश्न पूछते हैं अगर तुमने सही सही उत्तर दे दिया तो तुम्हारा एडमिशन पक्का अच्छा मिठी ये बताओ मोबाइल फोन देखा है तुमने मोबाइल फोन में वो कौन सी चीज होती है जो सारे प्रश्नों का उत्तर दे देती है बहुत बढ़िया इस सवाल के तो तू जवाब कभी भी ना दे पाई तो एकर मतलब तहार एडमिशन कैंसिल काम ना आवे ना इंटरनेट बाबा से पूछे के चाहे इंटरनेट बाबा के सब पता बा बोलो मिठी प्रश्न का उत्तर दो इंटरनेट बाबा इंटरनेट बाबा इंटरनेट बाबा से जो भी प्रश्न पूछी वो सब कर उत्तर दे बस एक उत्तर छोड़कर वो क्या प्रश्न है मीठी हेलो इंटरनेट बाबा तुके पता हो हमार माई कहाँ है हम मिट्टी बोले थे तुके पता बा हमार माई कहाँ है क्षमा करें हम आपकी बात समझने में असमर्थ हैं इंटरनेट तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे या ना दे पर मेरा उत्तर तो हाँ है तुम्हारा एडमिशन हो गया
सच में बहुत मेहनत कराया है आपने मीठी से। एक रात में बहुत कुछ सीख लिया मीठी ने। अरे उनका टेस्ट की तैयारी करती थी, हम रात भर सूत नहीं खी पाई। हम तो के देखे तो कल स्कूले कैसे जैसे बाबूजी, अगर छठी माई की यही इच्छा कि हम स्कूल ना जाए तो हम स्कूल ना जाए। मैं एलोगन का क्या दोष? आप बेकार में गुस्सा मत करी, ज्यादा गुस्सा करे से तबीयत खराब हो जाला, ऐसा हम सुन ले है। हाँ बेटा तू बिल्कुल सही सुन ले बड़ू, लेकिन कुछ लोग गुस्सा के भाषा ही समझेला। वैसे भी छठी माई तो तुहार बात सुने ली है? अगर तुहार इच्छा स्कूले जाए के बाद तो छठी माई तो के स्कूल जरूर पहुंचे, देख लिए हाँ हम साझ कहतन। अगर छठी माई हमार हर बात सुनते तो हमार किताब नहीं छिपाते। ना बेटा चुप हो जा, रो मत। कितना बहुली बाड़ू तू हमारी बच्ची, अपन कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन दूसरा केहू के दोष में भी तरह छठी माई के मर्जी दिखाई पड़ता। ये मासूम के चेहरा देख के भी हमारा घर वाला लोग के करेजा नहीं के पस जाता। इतना छोट बच्ची के साथ भी दिन रात षड्यंत्र रचत रहता लोग। छठी माई सदबुद्धि दी ये लोग के, ताकि ये छोट बच्ची के सतावल बंद कर दे। मिठी बेटा तू स्कूले चला तो हर बात एकदम सही बवे, हुई है जो छठी माई चाहिए। छठी माई के मर्जी के खिलाफ केहू कुछ ना कर सकेला, तार केहू कुछ ना बिगाड़ सकी बेटा, ये सच बात। सुना अगर टीचर कुछ पूछिए ना तो कह दिया कि किताब घरे छूट गई बा, हमारा पूरा विश्वास बा तो के कुछ नहीं बोलिए। बाबू जी अगर टीचर जो भी पूछी हम सही से जवाब दे दे कि हमारी किताब चोरी हो गई लो, उकरे बाद भी अगर हमरा के कोनो सजा दी है तो वो हमरा के मंजूर है। कुछ ना हो बेटा, बस आज दिन भर के बाद सांझी का हम तुम्हारे किताब कॉपी सब लेके आ जाए। बाबू जी तब तक मैडम जी हमरा के स्कूल में बैठे न दे ही। तब बेटा तोरा अपना छठी माई पर भरोसा बा ना है? तोहर किताब चोरी भइल बा, एकरा वजह से तोरा तकलीफ पहुंचल बा है? देख लिया छठी माई एकर कोनो ना कोनो निवारण जरूर करिए। जा चिंता मत करा, जा स्कूल जा।
अच्छा अच्छा ये छठी माई हमारा बिटिया पर दया दृष्टि बनौले राखब जय हो छठी मैया। क्या किताबें गायब हो गईं? एक ही दिन में तुमने सारी किताबें गायब कर दी? इतनी लापरवाह छात्रा आज तक नहीं देखा मैंने। तुम इस स्कूल में ना पढ़ने के लायक नहीं हो। निकलो यहां से। हमने कहा निकलो यहां से। मैडम जी हम किताब गायब ना कर ले। अपना ये घड़ियाली आंसू ना हमको मत दिखाओ और निकल जाओ हमारी कक्षा से बाहर। तुम्हारे जैसे लापरवाह छात्रा की इस कक्षा में कोई जगह नहीं है। चलो निकलो। अभी यहीं बैठी हो। हमारी बात तुम्हें समझ नहीं आई? हम कह रहे हैं निकलो हमारी क्लास से बाहर। मोनी ये तुम्हारी बहन है ना, निकालो उसको कक्षा से बाहर। नाखून दिखाओ अपना। छठी मैया मदद करी, मैया मदद करी। Thank you.
अम्मा जी राहुल जैसन कलेजा नहीं खे मिलत भांजी दोनों के। देखी सजा मिलल बा मीठी के मुंह ई दोनों के लटकल मिलल। ऊपर से मैडम लोग इतना दुला देते रही कि आंखें से देखल ना गई। सोनी का भाई तू तो कहत रहू कि किताब कॉपी लेके स्कूल ना जाई तो ओकरा के स्कूल के गेट पर से भगा दिहन जा है? तो अब का भाई ऐसे ना होखी वैसे ना होखी है? बस ये सब बोलत रह तू। माई सही कहत रहू पता ना कहां से को मैडम आईली और होके किताब देके चल गईली। शिखर मतलब स्कूल से कर नाम लिखे कटल ना कटल ऊपर से ओके इनाम मिलल छठी मैया की छठी मैया की छठी मैया की। अरे शाबाश मिठी बेटा बुझा गए लू है छठी मैया अपना भक्तन के कबो ना छोड़े ली। आ गई नू उनका माई उनका रक्षा करे खाती बस बात खत्म। अरे अभी पूरा बात तो सुनबे ना ही कैलू छठी माई अपना भक्तन के कबो ना छोड़े ली जे उनका भक्तन के परेशान करे लनु ओकरा के सजा जरूर दे दी। है ना बेटा ए जी माफ कर दी ना गूगल के अब से कोई गलती ना करी झुमकी भी ना मीठी से घर के कोई काम ना करे यहाँ माफ कर दी ना। हाँ बाबूजी गूगल के माफ कर दी अब गूगल दोबारा कौनो गलती ना करी और माई भी मीठी के कौनो जरी खोटी ना सुनी हन माफ कर दी बाबूजी। दिया कैसे बुझ गई हवा से बुझल होगी। मिठी बेटा देखा मैया के का विचार बा माफ कर दिहल जाओ या वसीयत से नाम काट दिया जा। एक मिनट रुकी बाबूजी हम अभी आवती। हे छठी मैया गूगल मामा के माफ कर दी कहता नहीं बाबूजी एक बार सच्चे के वकील बुला ली और कोई
जगह जमीन मिट्टी बिटिया के नाम कही थी। ये लोग कुकरन के दुम है, टेढ़ा के टेढ़ा ही रही है। हाँ वो तो बाव है, लेकिन फिर भी एक बार और माफ कर दिया जाओ। जय छठी मैया। जय छठी मैया। जय 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 छठी। गूगल अब तू रहे दो, बाबूजी तो होके माफ कर देले हैं। ठीक बेटा, तू यहाँ से कगरी 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 सीधे घर चल जा, ठीक बा? ठीक बा बाबूजी। चल जेबू ना, डेरेबू तना ना। नहीं बाबूजी, ईबा ना। छठी माई को लव के। ये रास्ता तई पार करी, लेकिन जीवन के रास्ता में हमरा बाद एकर मार्गदर्शन के करी? बाहर के तो छोड़ा, घरे में एकर इतना दुश्मन बढ़े और ये बूढ़ बद्री के कब बुलावा आ जाओ, एहू के कोनो भरोसा नहीं के। हे छठी माई, ये सोच के मन घबरात रहेला, हमरा मिट्टी बिटिया के रक्षा कर, रक्षा करब माता। चल तनी बेटा, हाँ से पहले को वो जो गाड़ी में ना देख ले बानी। उस दिन पहले ही पोस्टिंग मिल बा हमार, ले जा। कौन विभाग में? थाना आरा सदर में इंस्पेक्टर बने, इंस्पेक्टर बने। अच्छा ता पुलिस अंकल बानी, तबे चोर अंकल के दौड़ागे पकड़ लेनी। हाँ नाम का बेटी? मैथी। पर सब लोग हमरा के मिट्टी बुलावे ना। अरे वाह, जे क्यों भी नाम रख ले बा, एकदम सही रख ले बा। बहुत मिटवाड़ू तू, हमरा से दोस्ती करबू? गूगल मामा के कई बेर बोलते सुन ले है बात कि पुलिस से ना दोस्ती अच्छा होखेला और ना दुश्मनी। अरे ऐसा कौनो बात नहीं खे,
कर लंगा से दोस्ती प्लीज। बाबूजी कहलन हा कि दोस्ती करे तो बहुत आसान है लेकिन ओकरा के निभावत बहुत मुश्किल होखेला। अच्छा ये बताई पुलिस अंकल कि हम जब आपसे दोस्ती करे तब निभाई भी हूँ। जरूर निभाई, जीवन भर निभाई। क्या कहती बाबूजी, कहले ही पुलिस अंकल से दोस्ती? हाँ बता, कहला। ठीक बा। ई वेल न बात। हमी घर में ना रही तो का हाल होगी घर के? ऐसा लागत है केहू के घर से कोनो मतलब ही नहीं खे। केहू काहे में मगन तो केहू काहे में। काहे इतना कपार ढूंढता रुपुआ, का हो गई? अब कपार ना धुनी तो का करी? तहार भाई के ब्याह खातिर तहार माई रोजा पंडित जी के बुला देता रही एगो नया फोटो के साथ। तो एमे तहरा का परेशानी भइल बा? हाय देखा, हम कहतानी आम तो तू बुझता रु इमली। अरे हमार कहे की मतलब ई रहे कि लड़की ऐसन होखे के चाही कि आलोक के अपन कंट्रोल में रखे। अब बिन जानल बुझल लड़की के कोनो गारंटी बा का? हाँ ऐसे ऐसे हम कहतानी कि देखल जानल बुझल परखल लड़की से आलोक के ब्याह करावे चाहते नहीं। हमार सहेली के बेटी शारदा से ब्याह करावे खातिर आलोक के जोन आलोक के इंतजार आज भी करती है। लेकिन तहार माई की तो रोजा एगो नया फोटो देखे के बा। बात तो तू सही कहा तारू, पर ऐसे रहुआ डरी हम ना। काहे की ये घर में जितना भैया के हिस्सा बाना उतना हमरो बा। अब भैया लड़की के कंट्रोल करे या लड़की भैया के, कैसे हम के का? हमार हिस्सा पे तो बस हमरे कंट्रोल रही। अभी तहरा कैसन लागा था, एक बार ब्याह हो जाएगा फिर पता चले। ऐसा ही नया नया में हमऊ सोचत रहनी, फिर भौजी आ गई। मतलब कि भौजी यहाँ है तब न हम है। तहरा के नीक भौजी न मिली तब हुआ जी। रउआ एक आंख से देखा तानी। हर बात पे ताना ना मारे के माई के, पता न कहे लेकी के छठी माई पे अपना अविश्वास हो गई बाटे। ये बात के जवाब हम तुम जाने दो। देखा बिसंबर गड़ल मुद्दा मत उखाड़ा। पहले ही से एगो संभाल के हम परेशान बनी और दूसरा के संभाले के हमरा में हिम्मत नहीं के। और वैसे भी माई के दरबार में देर जरूर बा, अंधेर ना। हम पहले भी कहत रही और आज भी कहत रही कि ऊ जे लिखे ली इंसान के समझ से बाहर बा, पर ऊ ओकरा हित में लिखे ली। देखिए एक दिन चमत्कार जरूर। कैसे ना काकी? का भई मीठी, हमरे बेटा के छठी माई के आशीर्वाद दिला दा। एकरा के पढ़े में बिल्कुल मन ना लागेला, का जाने
छठी माई के आशीर्वाद से पढ़े में मन लग जाये। रहुआ चिंता मत करी काकी, छठी माई सब ठीक कर देंगी। कर माई के देहांत हो गए, पिता कहाँ बड़ा? कुछ नहीं के पता। आज से 5 साल पहले ही नदी में बहत मिल रहे, 2 दिन के होकी किसी को नवजात बच्चा के इतर आप नदी में बहा दे तो करुणा जुर्म बा रवा, वही टाइम थाना में रिपोर्ट काहे ना कहीं। इंस्पेक्टर साहब, अगर थाना पुलिस कहले रहती था हमारे मीठी बिटिया पता ना कौन अनाथ आश्रम में। हाँ लेकिन रवा अपना स्तर पर एकर माता पिता के खोजे के कोशिश ना करनी। खोजे के बहुत कोशिश करनी लेकिन कुछ पता ना चला। अब तक कितना साल बीत गए, हमारे मीठी बिटिया छठी माई के ही अपन माई मान चुकल भी। कौन बच्चा नहीं खे का? नहीं खे काहे कि अब तक हमार शादी ना भइल। का हसत काहे बाड़ू? हम ये सोच के हसतानी कि रउआ बियाह हो गई हो तो हमरे बड़ा एको बेटी हुई। अरे तो तू तो हमार बेटी है ना भैलू। हाँ इतू सी अब बात बड़ी बड़ी करी ले। अंकल रउआ के बियाह करे खातिर कौन ने खे बोलत का? हाँ कबो कबो हमार माई बोली ले लेकिन रहुआ अपनी माई का बात ना सुनती। लगता रहुआ के ए ना पता कि माई हम देखाते का होली। माई की बात कबो ना टाले के चाहिए। माई हमने खातिर छठी माई का रूप खोली और माई की बात टाले से छठी माई भी नाराज हो जाली। बस हमार माई नहीं खे, अगर हमार माई होते ऐसन बात नहीं खे मिट्टी। ला फिर से टंटनाए लागल। अम्मा फोन उठाई ना उनकर, माथा दर्द करे लगल हमार। अरे फोन उठा के हम का जवाब दी लोगन के? ये फोन भी ना कभी कभी जी के जंजाल बन जाला। हमरा तक कुछ बुझात नहीं थे कि हम का करी। तो ए में इतना सोचे विचारे वाला कौन बात बा? जो लड़का के विचार बा उरोवा बता दी, अब बात के करी राप साहब। बस कहो धर्म पत्नी जी, सही कहानी ना? जब बोले के कही ना तब भी बोली। हाँ नहीं बेटा, बोल दे लेकी वालन के कि तहार लेकी हमरा के पसंद नहीं खे। गई ले तू? ये देखा लड़की वालन के तरफ से कितना फोन आयल बा, हम का जवाब दी, का कही उ लोगन के? हमरा तो कुछ नहीं खे बुझात कि उ लोगन से का बात करी हम। अब अभी घर में हमार तो कोनो कदर नहीं खे, लेकिन बस हमरा इतना बता दा कि उ लोगन से का कहे के बा। तू जौन कह बना बेटा हम उहे कह, बस बस हमरा बता दा। माई रोवा फिर शुरू हो गई नहीं? अभी तो हम आयल बानी, सांस तो लेवे दी हमके। काहे इतना जोर देता रू? जब एक बार मना कह देले कि बिहार नहीं खे करे के तो गर्दन पे तलवार रख के हाँ करे बुका। बोल दा लेकी वालन के कि लेकी नहीं खे पसंद। एगो माई के दुख
अगर ओकर संतान ना समझ सकी तो फिर दुनिया ओ माई के सुख और दुख के का समझी। तोरा पता बालोक, एगो माई के सुख की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अपन संतान से ही होला। लेकिन शायद हमार किस्मत में वो सुखी नहीं खे। तो ठीक बा, अगर तहार ये फैसला बालू तो हमरा कोनो दिक्कत नहीं के, हम अभी के अभी लड़की वालन के फोन करके मना कर देता नहीं। कह देता नहीं उन लोगों के कि हमने के रिश्ता मंजूर नहीं खे। लेकिन हमार एक बात के याद रख, आज के बाद तहार ब्याह के बारे में ना ही हम कबो कौनो बात करब और ना ही कुछ सुना। हेलो हम भाई साहब जी प्रणाम। हम जानकी बेटी के का नाम रखबू सोचनी है? हम तो नहीं की सोच ले, रहुआ सोच ले बानी। हाँ, मैथिली। आलोक, इधर छठी माई के मंदिर बा। माई के दर्शन करावे खातिर तो लाइल बड़ी माई। मगर आप दर्शन तो करी। अरे कैसे दर्शन करी, ना प्रसाद बा ना फूल ऐसे। माई ये देवी अलग बाड़ी, इनका ना फूल लगेला ना प्रसाद चढ़ेला। आप आई तो सही। आलोक आई जिंदगी दे।
बेटी, जीवन हर कोई के बार बार मौका ना देवेला। तोहरा तो सुंदर लड़का मिलल बा, तोहर ब्याह होगी तू फिर से माँ बनबू। नयका मेहमान तोहरा के इतना प्यार करी है कि तू अपन पुरान याद के भुला जेबू। याद रखिए कि कोई कहत रहे, खुद के एक बार मौका देके देखा बेटी। अरे क्यों पानी लेके आओ? ओहो, ले बाबू, पी पानी, थोड़ा सा पीला, पी। अरे मौत खांसी खा सकती है, लागत की बाची ना। थोड़ा सा पीला पी। ए छठी माई, ये मेरी बिटिया की कहाँ हो गई? अरे मिठी बेटा, कहाँ हो गई रला तुरा? पता नहीं बाबूजी, लागत है वो राक्षस गई हूँ यहाँ गला में, अब ठीक गई। तुम्हारे तो जाने निकाल दिलू तू, ये कुल क्या करता रू तू? और क्यों निके घर में हा? चलो उठा। आगे के बातचीत खातिर वो अपन घरे बुला रहल बाड़न। अच्छा हमका कहता नीनू, एक दिन खातिर तनी समय निकाल के हमरा कह दे ताकि वो लोग से मिले चलल जाई। माई वैसे हमर छुट्टी तो इतवार के होला, वो दिन जा सकता नहीं, मगर जाए से पहले एक बार हम मिट्टी से मिलल जाब और ए विषय पर उकरा से बात भी हो जाए। आलोक, मिट्टी बिटिया से तो इतना ज्यादा जुड़ गए बाड़ा कि तारा ये बात याद ही नहीं किए कि वो एगो छोट बच्ची भी आ, एगो मासूम लड़की। अरे ओकरा ये सब ब्याह शादी ये सब बारे में का समझ में आई, का बुझी ओकरा? अरे हम ही बात के मानत आने कि वो एकदम निमन लड़की बिया, छठी मैया के भक्त भी बिया, लेकिन बिया तो छोट बच्ची ही नू, उहो पराया बच्ची। माई इस पर हुआ का कहता नहीं? देखा बबुआ, हम कुछ गलत नहीं की बोलत, ये शादी ब्याह के जौन मामला होला नू वो बहुत ही ज्यादा गंभीर होला और घर परिवार के सब सदस्य के मिल के ऐसा फैसला लेवे के चाहिए, ना कि केहू तीसर से पूछ विचार करके। देखी माई, गलत ना माने मगर ये सच बा कि जब से हम वो मिट्टी से मिल ली ना, हमारे सोची समझे की नजरिया ही बदल गई बा। भले वो एगो छोटी बच्ची भी आ, मगर आज ही ओकरे सोच के नतीजा बा कि हम राउर बात एक बार फिर से माने लगनी। जवन शादी के रिश्ता के बारे में हमेशा ना कहत रहे, आज ओकरे लिए हम हाँ बोल दे। हमार मुंह देख के पतारा ऐसा लगता कि हम कुछ ऐसा सोच सकता नहीं। अच्छा एगो बात बताओ, तहरा कैसे मालूम कि हमार दिमाग में का बात चला था? इसका मतलब कि जोन हमार दिमाग में चला था उधर तहरो दिमाग में चला था, यानी कि तू मिठिया से छुटकारा पाल चाहता हो ना? नाना माई, ऐसा कौनो बात नहीं की, हम कबो ऐसा काले बनी का? ढेर तेज मत बना, समझ लो कि ना
जब तहरा मन में उहे बात रहे और हमारा मन में उहे बात, तब फिर हमरा से छुपौलू का है। हमार जियरा जुड़ात रहे जब खांसत रहे, लेकिन हम तो सोचनी की आज ही बलक टल गई, हमनी के छुटकारा मिल जाए ओकरा से, लेकिन ना, लेकिन ना। और माई, अरे माई ओकर हालत देख के मैं उसे क्या बताई, हमरा तो लागल कि अपने आप हमनी के रास्ता से हट जाए, हमनी के बाबूजी के धमकी से ही बच जल जाए और संपत्ति भी ना बटाई। और न तका ब्याह दान के खर्चा से भी बच जाती जा, लेकिन ये लड़की तो हमने किस करे जब मुंह दरे खाती बैठल दिया। कहीं तोहरी भाई हमने दोनों के बात सुन तो ना ले लस। अरे माई गुगलवा हमने के ना पार्टी में बा, देखा हमरा लगी एक से एक हिट तरीका बा मीठी के रास्ता से हटावे के। तुहारी भाई तो हमने से कदम आगे निकलल। अरे अम्मा जी हमार नाम गूगल है, गूगल ऐसा ऐसा 156 आइडिया बा करिस्तानी करे के हमरा लगे। बस समय समय पे रिचार्ज करावे के जरूरत है। ऐसे ही थोड़ी ना हमारा भाई के नाम गूगल है। मंदिर अंधार किसे हो गई, अभी तो जगमगात रहे, जेकरा हमार खुशी रास्ते के आई, जेकरा जे मन कराता उहे कराता।
मीठी 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 हम तौबा करतनी हे माई, हम कान पकड़तनी अवतार, हम सौ बेर उठक बैठक करतनी, आगे से हम कौनो ऐसन काम नहीं के कराओ। काहे से कि हम जाने तनी सबके सजा हमके मिला, काहे से कि ओकर माई के आशीर्वाद बाकरा ऊपर। हमके माफ कर दे भाई। प्रणाम बद्री काका। प्रणाम प्रणाम। हम रवि के पास आवत रहनी। हमरी पास ऐसा कौन जरूरी काम पड़ गई है? कोनो चिंता के बात तो नहीं है ना? ना रवा, चिंता ना करी, परेशानी कोनो बात नहीं। दरअसल बात ई बा कि आज हम अपना लिए लड़की देखे जाते रहनी, और यही खातिर मिट्टी बिटिया के भी अपना साथ ले जाके चाहता नहीं। मिट्टी के? अरे तो बहुत छोट भी है, एकरा का बुझाई है? अब वैसे भी अगर स्कूल बा तो का भाई, आज मिट्टी स्कूल ना जाई, एक दिन की छुट्टी हो जाई। मिट्टी छुट्टी ले सकत रही है, लेकिन मिट्टी के टीचर मिट्टी के संगे संगे हमरो के बोलो ले बड़ी, अब पता ना का काम बवे। एक मिनट रुकी, हम अबे आवता नहीं। की चरण का फूला लड़की के परखे में मदद करी। अरे मिट्टी, ये फूल हमारी मदद कैसे करी? अंकल वो सबसे पहले जाके वो लड़की के ये फूल दे दे, अगर वो लड़की ले ली तो लड़की रहो खातिर ठीक है, अगर ना ले खातिर ठीक ना है। ठीक बा बेटा, तू अपन स्कूल जा, छठी मैया के आशीर्वाद हमेशा हमारा संग बा। मिट्टी बेटा चल जल्दी से, हाँ लेट हो जाई, स्कूल के घंटी लगाई वाला होई। हाँ चल। अच्छा दरोगा जी, हमने के चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बाय बेटा।